There's nothing like feeling young and So hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Side You Know My Dad Guys. So guys, आज जा रहे हैं explore करने के लिए जामा मस्जिद को. खाली explore नहीं करेंगे, जामा मस्जिद पे खाएंगे भी, पिएंगे भी. बहुत famous shops बनी है जामा मस्जिद पे. मैंने सुना है काफ़ी famous chicken मिलता है. मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, मगर आज मैं सारी दुकानों को जाने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके उतना कवर करूँगा आप लोगों के लिए. और जहाँ तक है जामा मस्जिद का, आप नाइट में व्यू देखेंगे. इस समय बज रहा है 5 o'clock. बस यहाँ से अपन रेपिडो करते हैं और अपन चलते हैं मेट्रो स्टेशन डायरेक्ट. तो हम मिलते हैं मेट्रो स्टेशन में गाइस. सो ये करते हैं ब्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस जामा मस्जिद गेट नंबर 1 से एग्जिट कर चुके हैं. अब जा रहे हैं असलम चिकन पे कुछ खाने के लिए. फिर जाएंगे जामा मस्जिद को टूर करने के लिए. तो आप लोग साथ में चलते हैं मेरे को. आइए आइए, अभी यहाँ फूड ब्लॉगर आएंगे. अभी गाइस मेन मार्केट में आ चुके हैं अपन. थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, अभी जाएंगे. बस मंजिल अपनी 2-3 मिनट की दूरी पे होगी. भाई कितनी देर हुई है? 2 मिनट की दूरी पे है मंजिल अपनी. गाइस चल रहा है, चल रहा है. गाइस रंगत ही अलग है रोड की, तो मतलब खुशबुआ हमें हर जगह बुला रही है, मगर हम जा नहीं रहे हैं. मंजिल नज़दीक आ गई है, गोर असलम चिकन. बस थोड़ी सी दूर और 1 मिनट का रास्ता और है. बस भाई पहुंचने वाले हैं अपन असलम चिकन पे. फेमस है असलम का बटर चिकन, वही खाएंगे असलम चिकन. मेन्यू आपने देख लिया होगा, एक हाफ बटर चिकन मंगाया. अभी पहले वो खाते हैं, फिर देखते हैं क्या और मंगाते हैं. खाते हैं राइस, फिर मिलते हैं. असलम का चिकन खा लिया, अब चलते हैं शरबत पीने. मोहब्बत है शरबत, काफ़ी अच्छा था चिकन असलम का. चलते हैं कहीं और. मोहब्बत शरबत करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड. गाइस अब आए हैं करीम होटल. भाई क्या क्या फेमस है करीम होटल? पूरा करीम होटल ही फेमस है. तो अब देखते हैं करीम होटल पे क्या खाते हैं. वहाँ तो बटर चिकन खाया था, मज़ा आ गया. मोहब्बत शरबत पिया, उसमें भी बहुत मज़ा आ गया. अब कुछ और खाया जाता है. नहारी पाए खाए क्या भाई? आ गया मेनू, आ गया मेनू, देखते हैं आपको भी दिखाते हैं मेनू. ऐसा कुछ मेन्यू है, अब देखते हैं क्या खाते हैं. देखो गाइस पूरी टेबल हमारी सज चुकी है. चिकन चिकन कौन सा? बर्रा 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 ऑर्डर किया है भाई. हाँ तो नहीं 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 सो गाइस अपना खाना आ चुका है, अब चलो खाते हैं. फिनिश विद द फूड गाइस, अब चलते हैं बाहर, बताते हैं टेस्ट कैसा था, कैसा नहीं.
रात में ये हो चुका है, अब चलते हैं जामा मस्जिद पर। रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है जामा मस्जिद। गाइस ऊपर चलते हैं जामा मस्जिद में, आपको व्यू दिखाते हैं ऊपर से। सो गाइस आप देख सकते हैं पर आ चुके हैं जामा मस्जिद, अब आप एंजॉय करेंगे जामा मस्जिद के सिनेमैटिक्स। जिस जामा मस्जिद का गेट है गाइस, ये दूसरा वाला एंट्री गेट है। अपन वाले इस वाले गेट से आए थे और एक ये वाला गेट है, तो मतलब कुल मिला के तीन गेट हैं जामा मस्जिद में एंट्री करने के लिए। देख लें काफ़ी बड़ा गेट है ये, गेट नंबर 2 गाइस। जामा मस्जिद जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क है और काफ़ी खूबसूरत बनी है। रात में आप इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठा ही चुके हैं सिनेमैटिक्स में। अब निकलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कि कहाँ चलते हैं, फिर करते हैं अपन मेट्रो पर चल के ब्लॉग में। ठीक है गाइस, क्या खूबसूरती है गाइस जामा मस्जिद की, अलग ही खूबसूरती है रात के टाइम पे। दिन में तो खैर चीज़ अलग ही लगती है, मगर रात के जब कोई चीज़ पे लाइट आ जाए ना गाइस, तो उस चीज़ की वो चीज़ निखर जाती है बस। काफ़ी खूबसूरत है जामा मस्जिद, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एग्जिट करने चल रहे हैं अब, क्योंकि आवाज़ आ चुकी है भैया कि बंद हो रहा है, तो एग्जिट करने चल रहे हैं गाइस। ठीक है, बाहर से देखें इस गली से अपन खाना खा के आए थे, गली का हाल देखें गाइस कितनी बुरा हो रहा है, हो रही है ना एक नंबर भीड़ गली पे। सो गाइस नाउ द टाइम इज टू एंड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बेहतरीन जामा मस्जिद बनी हुई थी, जामा मस्जिद की मार्केट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, आप लोग ज़रूर जाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नाइट में तो आप समझ लीजिए सोने में सुहागा है जामा मस्जिद में जाने के लिए। एक मेट्रो निकल जाए, मेट्रो एक निराट आवाज़ करती है जब मेट्रो जब चलती है तो। हाँ तो गाइस आप लोग ज़रूर जाइएगा शाम के टाइम पे, शाम के टाइम में आप समझ लो पैदल वालों के लिए जाम होता है, क्योंकि भाई मार्केट है ही इतनी अच्छी खाने पीने के लिए। हर चीज़ आपने देखा, मैंने तीनों चीज़ खाई, बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक थी और बहुत फेमस है। दो चार चीज़ें और फेमस है, पेट तो छोटा सा है तो नहीं खा सकते अपन, तो आप लोग जाइएगा सब कुछ खाइएगा, थोड़ा थोड़ा खाइएगा चाय। तो अपन चलते हैं, अपने ब्लॉग एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय एवरीवन।